हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। आज का हमारा टॉपिक सेंट्रल अडॉप्शन रिसर्च अथॉरिटी, कारा भी जिसे कहा जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में आप चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इस अडॉप्शन के पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने वाला, ओवरसी करने वाला, इन सभी चीज़ों के, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह सकूँ तो इन सभी ऑर्फन चाइल्ड्स का या फिर जो कोई भी अडॉप्शन के लिए चाइल्ड चिल्ड्रन वगैरह अवेलेबल हैं, उन्हें कौन एनरोल करता है, उनकी रजिस्ट्री कहाँ पर मेंटेन होती है, और अडॉप्शन के बाद भी उनका केयर किस तरीके से लिया जाता है, इनडायरेक्टली सरकार किसको जो है उस काम पर लगाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का हमारा टॉपिक। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको समझनी है। स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, एक एक्ट के तहत बनाया गया है। कौन सा एक्ट? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इट फंक्शंस एज अ नोडल बॉडी फॉर अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन एंड इज मैंडेटेड टू मॉनिटर एंड रेगुलेट इन कंट्री एंड इंटर कंट्री अडॉप्शंस, यानी कि विद इन कंट्री भी जो अडॉप्शंस हो रहे हैं और इंडिया के बच्चों को जो फॉरिनर्स अडॉप्ट करते हैं उनसे रिलेटेड भी इसे रेगुलेट करता है। पूरा प्रोसेस ए टू जेड जो कुछ भी है, रजिस्ट्रेशन हो, अडॉप्शन का प्रोसेस हो, अडॉप्शन होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आता है तो कारा जो है उसे देख लेता है। CARA is designated as a central authority to deal with inter-country adoptions in accordance with the provision of the Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993. बहुत ही important है। International couples जब adopt करते हैं, फिर internationally किसी बच्चे को adopt किया जाता है, तो Hague Convention on Inter-Country Adoption 1993 के rules and regulations follow किए जाते हैं। तो इस rules and regulations को भी fulfill करने वाला India में central authority अगर कोई है तो वो CARA है। CARA primary deals with adoption of orphans, abandoned and surrendered children, abandoned जो children किए जाते हैं, orphans of course जिनके माता पिता नहीं है, abandoned यानी कि जिनके माता पिता है लेकिन वो अपने बच्चों को पसंद नहीं करते या फिर उन्हें छोड़ देते हैं, surrendered यानी कि voluntarily भी आकर जो है children को वहाँ पर surrender कर सकते हैं through its associated or recognized adoption agencies। तो country भर में इनके अलग अलग branches होते हैं तो वहाँ पर जा सकते हैं आप अगर आप surrender करना चाहते हैं बच्चे जो abandoned मिलते हैं या फिर जो orphan बच्चे होते हैं वहाँ पर उनकी registries होते हैं, उनसे related जो कोई भी issues हैं वो सभी CARA ही deal करता है। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, तो ये सभी होते कहाँ से हैं? एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे केयरिंग्स कहा जाता है, ये एक्रोनिम है चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम। इट इज़ एन ई गवर्नेंस मेजर टू फैसिलिटेट चाइल्ड अडॉप्शन। तो पूरे देश भर में ये ऑनलाइन, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है तो अडॉप्शन भी ऑनलाइन ही हो रहा है। तो वहाँ पर आप अप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आप सिंगल पेरेंट हैं या फिर अगर आप कपल हैं जहाँ पर आपके बच्चे नहीं हैं, तो वहाँ पर भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं कि कितने साल होने चाहिए आपको। अगर आप कपल हैं तो एटलीस्ट 5 years ऑफ योर लाइफ, यानी कि 5 साल तक अगर आपको बच्चे ना हो तो जब आप जा सकते हैं। सिंगल पेरेंट अगर हैं तो वुमेन के लिए, वुमेन ही जो है वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकता है, सिंगल मेल जो है वो फादर जो है वो गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इस तरीके से अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। इट इज अ सेंट्रलाइज्ड डाटा बैंक ऑफ अडॉप्टेबल चिल्ड्रन एंड पीएपीस। तो बोथ अडॉप्टेबल चिल्ड्रन जो होते हैं यानी कि जो अडॉप्ट करने के लिए जो रेडी होते हैं उनके एज ग्रुप वगैरह सभी मेंटेन किया जाता है। पीएपी यानी कि प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं उनके भी रजिस्ट्री CARA ही मेंटेन करता है। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी CARA, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।